हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि फल दिसंबर 2021 के बारे में, यानी कि इस वर्ष के अंतिम महीने के बारे में। ये महीना आपके लिए कितना अच्छा कितना बुरा रहने वाला है, इन सभी विषय पर में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आपके सामने अभी जो ये एक लग्न कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है, ये लग्न कुंडली नहीं है, ये गोचर कुंडली है और गोचर कुंडली के आधार पर में ही राशिफल का निर्णय लिया जाता है। वैसे तो सिद्धांत ये है कि वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में लिया जाए, मासिक राशिफल सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में लिया जाए और दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर में बताया जाए, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बताया जाए। मैंने बहुत सारे वीडियो आपको सूर्य के गोचर के आधार पर में बता करके दिया, 50-90% तक जैसा कि गोचर कुंडली का भविष्यवाणी सफल होता है, सफल भी हुआ। आप लोगों ने बताया कि 100-100% हुए, लेकिन वहीं पर मैं एक दिक्कत महसूस करने लगा। आप लोगों का वहां पर मैं बाकी ग्रहों के बारे में रोज़ सवाल आना शुरू हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, लाखों लोगों तक पहुंचने लगे, आप लोगों का सवाल आना शुरू हो गया कि ये तो सूर्य का हुआ और ग्रह का क्या हुआ। इन सभी सवालों को देखते हुए, आपके विचारों को देखते हुए, मैंने ये सोचा कि अगर आप लोगों को सभी ग्रहों का जानकारी नहीं दिया जाए मासिक राशिफल में, तो आपके साथ ये अन्याय होगा। इसीलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा और मेहनत करने के लिए विवश किया और आपके सामने सभी ग्रहों की ये गोचर कुंडली लेकर के उपस्थित हो गया। आपको मैं बता दूं कि ये लग्न कुंडली नहीं है, ये जन्म कुंडली नहीं है आपकी, ये आपकी गोचर कुंडली है और गोचर कुंडली हमेशा 50-90% तक ही सच साबित होती है, क्योंकि ये संभावनाओं पर में आधारित होती है और वृषभ राशि के लाखों करोड़ों अरबों लोग दुनिया में विराजमान हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि ये संभावनाओं पर में आधारित है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली, आपकी जो जन्म कुंडली है बनी हुई, वो संभावनाओं पर में आधारित बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर में तो आपको जो जानकारी दिया जाएगा वो तो 100% सच ही साबित होगा, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अब ये समस्या आती है कि देखने वाला व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना बेहतरीन वो आपको बता सकता है। हमारे यहाँ जो बताई जाती है वो 95-99% सही साबित होती है, 1% भगवान के हाथ में छोड़ दिया जाता है, आपके कर्म पूजा पाठ जप तप के हाथ में छोड़ दिया जाता है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सभी ग्रहों का एक बार जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या कैसे कौन सा ग्रह आपको फल देने वाला है इस महीने। आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार, उनसे एक वादा किए देता हूँ कि जिंदगी में आपने आज तक इतना विस्तृत राशिफल कभी नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है आपसे, कभी सुना नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। पूरे YouTube गूगल को छान मारोगे फिर भी नहीं मिलेगा इतना विस्तृत राशिफल, ये भी वादा है मेरा आपसे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये आप मुझे लास्ट में बताएंगे, कि मैंने जो आपसे वादा किया था, आप ये 12 घर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 नहीं 12 दुनी 24 पॉइंट आप जानते होंगे, आज कम से कम 100-120 पॉइंट के बारे में आप जानेंगे, प्रत्येक घर के बारे में कम से कम आप 10 पॉइंट के बारे में जानेंगे। अद्भुत जानकारी है ये, इतना आसान नहीं है कुछ भी कह देना। आइए, बड़े बड़े ज्योतिषियों का सर ढीला हो जाता है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से क्या क्या फल देगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि कुछ ग्रह हैं, चार ऐसे ग्रह हैं जो इस महीने में एक भाव से दूसरे भाव की तरफ जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन जो है सो करेंगे। आपको बता दूँ कि सूर्य जो है सो वृश्चिक राशि में
16 दिसंबर तक रहेंगे आपके कुंडली के अष्टम सप्तम भाव में, उसके बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में यानी कि धनु राशि में। उसके बाद बता दूं कि मंगल जो है सो 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे वो वृश्चिक राशि में, यानी कि 5 दिसंबर तक रहेंगे आपके कुंडली के छठे भाव में, उसके बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में। बुध जो है सो 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे यानी कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में, उसके बाद चले जाएंगे धनु राशि में यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव, धनु राशि में यानी कि आपके कुंडली के अष्टम भाव में। शुक्र जो है सो 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे यानी कि अष्टम भाव में और उसके बाद चले जाएंगे मकर राशि में। शुक्र जो है सो 8 दिसंबर तक रहेंगे धनु राशि में यानी कि अष्टम भाव में और उसके बाद चले जाएंगे मकर राशि में यानी कि नवम भाव में, फिर आपके लिए कमाल हो जाएगा। तो क्या कैसे होने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा, इन सब चीज़ों को समझना ही राशिफल है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ करके कुछ निर्णय लेना ही राशिफल है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि कभी भी जिंदगी में एक चीज़ याद रखना है आप कि राशिफल को देख करके, गोचर कुंडली को देख करके कभी भी जिंदगी में कोई बड़ा निर्णय आप मत ले लेना, नहीं तो आपके लिए वो नुकसान का सौदा हो जाएगा, आपके लिए वो लाभ का सौदा नहीं हानि का सौदा हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि लग्न में ही आपके मस्तक पर में राहु देवता विराजमान है और जैसा कि आप जानते भी हैं कि वृषभ राशि में राहु देवता उच्च के हो जाते हैं, तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाले हैं ये, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अब और पूरे महीने ये इसी भाव में रहने वाले हैं, तो राहु के कारण जो है इस महीने में आपका दिमाग बड़ा साथिर तरीके से चलने वाला है। इस महीने में बड़े ही जुगाड़ के साथ, जैक के साथ, युक्ति के साथ आप बहुत सारे काम को कर लेंगे और लोग सोचते रह जाएंगे जो आखिर इसने कर कैसे लिया। लोगों को समझ में ही नहीं आएगी ये बातें, आपकी बातें, क्योंकि आपके मस्तक पर में राहु उच्च का बैठा हुआ है, आपके दिमाग को ब्रिलियंट बना चुका है, जिसके कारण से इस महीने में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट ले पाएंगे। आपको बता दूं कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और विवेक भी आपका साथ देगा, आप कुछ ऐसा काम कर देंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे, आप काफ़ी शीलवान और चरित्रवान भी बने रहेंगे और आप में विनम्रता की कमी नहीं रहेगी, स्वभाव भी जो है आपका बड़ा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इन सब भाव जो है ये सब जो है सो एक ही भाव प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपको बता दूं कि आपका शरीर भी बड़ा स्वस्थ रहेगा राहु के कारण में और एक ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, शरीर में पूरा ऊर्जा का एहसास होगा, ऐसा लगेगा कुछ है शरीर में, ताकत है, कितना भी काम कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ ताकत की कमी नहीं महसूस हो रही है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो है शरीर का रंग और रूप वो भी बड़ा मनमोहक सामने छवि आएगी, बड़ा ही सुंदर दिखेगा आपका चेहरा, जरूर इस समय में थोड़ा सा रंग आपका डार्क दिख सकता है लेकिन बड़ा ही एक सुंदर झलक आपके चेहरे से आएगी। आपके शरीर में बल की जो है सो कमी का एहसास नहीं होगा और दिमाग भी बड़ा बेहतरीन चलेगा। हर मामले में राहु आपको बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। राहु की पंचम दृष्टि यहाँ से संतान के भाव पर में, जो लोग संतान के लिए ललायित थे और जिनको संतान होने वाला है और वृषभ राशि के हैं, तो उनको बता दूं कि राहु के कृपा से पुत्र प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन रहा है, तो पुत्र प्राप्ति का भी योग है और आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो आपको बता दूं कि वो लड़का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बाकी जन्म कुंडली से विशेष जानकारी प्राप्त हो पाएगी। संतान का भी परफॉर्मेंस बड़ा बेहतरीन रहेगा, संतान भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके सामने लाएगा, आपका खुद का भी अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो खुद का भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलेगा और अगर कहीं पर में आपका अफेयर है लव अफेयर तो वो भी आपका ठीक रहेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में पांचवा भाव जो है विद्या बुद्धि का भी होता है, तो विद्या के क्षेत्र में भी विकास करेंगे और दिमाग भी बड़ा बेहतरीन तरीके से, बुद्धिमानी भी आप बहुत ही तेज़ी से करेंगे और अपने काम को निकाल लेंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी क्योंकि पांचवा भाव आपके यश का भी होता है, आपके चाहने वालों की संख्या यानी कि फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि वो भी पांचवें भाव से ही देखा जाता है और राहु की दृष्टि इस समय में पंचम भाव पर में है, उच्च दृष्टि है।
धर्म और मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपको मैं बता दूं कि हृदय और छाती के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। राहु देवता की कृपा आप पर में विशेष रूप से है, क्योंकि उच्च के राहु देवता भी आप ही के राशि में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना आपको अच्छा रिजल्ट दें। भाई आप ही का दाना खा रहे हैं, आप ही के साथ हैं, तो आपको तो बढ़िया रिजल्ट देंगे ही। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में पड़ रही है, यानी कि इस भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो आपके विवाह होने का भी योग बन रहा है। इस समय में आपके विवाह की चर्चा भी आगे बढ़ेगी। जिस जातक का विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी। माता पिता आपका विवाह फाइनल भी इस महीने में कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ जिनका विवाह हो चुका है उनको जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जीवन साथी का आनंद ले पाएंगे। पति और पत्नी के बीच में राहु देव की कृपा से संबंध खराब नहीं, अच्छे रहेंगे। थोड़ा मोड़ा कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाकी राहु देवता संबंध को बढ़िया बना करके रखेंगे। आपको बता दूं कि काम और वासना का भी ये भाव होता है सातवां, तो राहु देवता की दृष्टि के कारण जो है सो काम और वासना की भी इच्छा होगी, जागृत होगा, लेकिन साथ साथ आपका काम और वासना जो है पूरा भी होगा, ये भी योग बन रहा है। आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय रोजगार भी इस समय में राहु देवता की कृपा से आपका बढ़िया चलेगा और उसमें भी बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी भगवान राहु की कृपा से दूर हो जाएगी। प्रत्यक्ष दुश्मन शत्रु अगर कोई है आपका और वो आपसे टकराने की कोशिश करेगा, इस समय में आपका वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि राहु का कृपा आप पर में है। साझेदारी की अगर बात की जाए, अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस है, क्योंकि ये सातवां भाव पार्टनरशिप का भी होता है, किसी का के साथ बिजनेस है, तो वो भी आपका राहु देवता की कृपा से ठीक चलेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। राहु देवता की नौवीं दृष्टि भाग्य के घर पर में पड़ रही है, तो भाग्य भरोसे बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे। भगवान राहु के कृपा से भाग्य के सपोर्ट से बहुत सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। धर्म में और तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है, धार्मिक उत्थान आपका होगा और तीर्थ के क्षेत्र में भी आप घूमेंगे और विकास करेंगे। चाहे वो छोटा मोटा तीर्थ यात्रा ही क्यों ना हो, लेकिन तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि साला साली से जो है सो फायदा मिलने का योग बन रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उसको अपने ससुराल पक्ष से साला साली से फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये भाव जो है नौमा वो साला साली का भी भाव है। आपको मैं बता दूं कि संन्यास की तरफ भी जाने का आपका मन हो सकता है, मूव कर सकते हैं, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि चलो छोड़ो ये सब क्या है, कहाँ उलझे हुए हो फैमिली के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, निकलो चलो संन्यास की तरफ चलते हैं, ये भी भावना मन में आ सकती है। कभी कभी ये नौवां भाव सपना का भी होता है, डरावना स्वप्न भी आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि शिक्षा स्तर भी आपका अच्छा हो सकता है और बढ़िया गुरु और आचार्य का जो है सो आशीर्वाद भी इस समय में प्राप्ति का आपके लिए योग बना रहा है राहु देवता। तो आपके लिए राहु की कृपा से सब कुछ बढ़िया बढ़िया प्राप्त होने वाला है इस महीने में। लेकिन क्या सिर्फ राहु पर में ही डिपेंड कर जाएगा ये पूरा महीना? अगर ऐसा होता तब तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही था, आपको सिर्फ पलंग पर में जा करके सो जाना था और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी ग्रह भी इस कुंडली में बैठे हुए हैं, जो कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब हैं, उनका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसका खराब रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे कि मंगल यहाँ पर में छठे भाव में जब तक बैठे रहेंगे तो मंगल का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो मंगल का रिजल्ट आपका अच्छा नहीं मिलने वाला है, और एक तरफ मैंने आपको राहु का इतना बेहतरीन रिजल्ट बता दिया, तो फिर या तो मंगल वाला गलत हो जाएगा या राहु वाला गलत हो जाएगा, रिजल्ट तो आपको एक ही मिलेगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगी, इसके लिए मैं आपको उत्तर दे दूं कि आपको इस स्केल लेने की आवश्यकता है। आप चाहते हो कि आप ये स्केल लो, लेकिन आपके माताजी की इच्छा नहीं है कि आप ये स्केल लो, वो माताजी आपके विरोध में है, आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, और उनका कहना है कि स्केल तो घर में नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए स्केल आपको खरीदना ही नहीं है,
लेकिन आपके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अगर माँ नहीं चाह रही है कि आप स्केल नहीं ले सकते, तो पिताजी आपको अब मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 20 रुपये लो और जा करके स्केल चुपचाप ले आओ और माता जी को पता ना चले, आपका काम जो है सो उतना से ही हो जाएगा। यानी कि माँ विपक्ष में थी, वो नहीं चाह रही थी कि आप ये स्केल खरीदो, वो पैसा भी नहीं दे रही थी आपको, लेकिन पिताजी आपके पक्ष में आ गए और उन्होंने आपको 25-25 रुपये दे दिए और आपको स्केल मिल गया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि माँ पक्ष में आ गई है, माँ अभी भी विरोध में ही है। तो बस समझने का ये इसमें है कि जो ग्रह विरोध में है वो तो विरोध करेगा, वो तो आपको अच्छा ग्रह जो अच्छा प्रभाव देने वाला है उसमें निश्चित रूप से बाधा ला करके छोड़ेगा, लेकिन जो अच्छा ग्रह है उसका ये भी मतलब कतई नहीं है कि उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट में कमी आ जाएगी, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए अब आगे समझते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में अगर आ गया तो। मित्रों आपको बता दूँ कि इस कुंडली में मंगल देवता 5 दिसंबर तक छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और छठे भाव में मंगल देवता के बैठने का मतलब है कि 5 दिसंबर तक आपको मंगल के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मंगल के कारण आपको कौन से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो मंगल के कारण जो है इस समय में दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, दुश्मन आपको टेंशन देने की, तनाव देने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से आपको जो है सो डैमेज किया जाए। तो मंगल आपको यहाँ पर में दुश्मन से परेशान करवाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी देने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा आपके ऊपर में 5 दिसंबर तक किसी प्रकार का कलंक और अपयश भी लगाया जा सकता है, आपका मन भी मंगल के कारण दुखी रहेगा। किसी से कुछ उधारी वगैरह भी ले सकते हैं और संभल के चले नहीं तो केस मुकदमा की तरफ भी आपका कदम बढ़ सकता है, तो इसलिए मंगल के कारण सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4 नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट। अब देखिए राहु यहाँ से भाग्य का सपोर्ट दे रहा था, मंगल यहाँ पर में भाग्य में बाधा दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राहु जितना स्मूथली आपको रिजल्ट देना चाह रहा था उतना स्मूथली आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बाधा खड़े करने वाले लोग भी खड़े हैं आपके मार्ग में। तो मंगल आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देगा, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति पैदा करेगा, वहाँ से आपको जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। आपको जो डायरेक्टली एक गुरु का आशीर्वाद मिल जाना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूँ कि आपके शिक्षा स्तर जो आपके पास में था, जिसका आप बेनिफिट लेना चाह रहे थे, वो इस समय में आप नहीं ले पाएंगे। आपको बता दूँ कि इस समय में आपको कोई डरावना सपना भी आ सकता है, और जो आप तीर्थ और व्रत करने की इच्छा में थे, सोच रहे थे कि कर लेंगे बड़े आसानी से, उसमें बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से सीधा द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से आपका पैसा बहुत खर्च होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, कुछ आपका हॉस्पिटल में भी खर्चा हो सकता है। 5 दिसंबर तक आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित भी परेशानी आने का अभी योग बन रहा है। पाँव के तलवे में कुछ दर्द हो सकता है, कांटे वगैरह लग सकते हैं। और अष्टम दृष्टि मस्तिष्क पर में, तो दिमागी तौर पर में भी कुछ टेंशन आपको मंगल देवता दे सकते हैं, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे, आपको फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का फल कभी से शुभ नहीं होता है, चाहे वो कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, उच्च का छोड़ करके, अगर उच्च का है तब तो वो शुभ रिजल्ट दे देगा मंगल, लेकिन अगर उच्च का नहीं है तब वो कभी भी अच्छा रिजल्ट आपको मंगल नहीं दे पाएगा। तो मंगल 5 दिसंबर के बाद अगर सप्तम भाव में भी चला जाएगा तो भी ये बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे कि 5 दिसंबर के बाद मंगल का रिजल्ट क्या होगा कि जिसका विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी के बीच में वो टेंशन तनाव की स्थिति पैदा करेगा मंगल, दोनों पति पत्नी को बनने नहीं देगा, छोटी छोटी बातों पर में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर देगा, एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, एक अगर कुछ अच्छा बात भी बोलेगा दूसरे को बड़ा खराब लगेगा कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहा है, इस प्रकार की फीलिंग आएगी मन में, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा। सातवां भाव मित्रों बता दूं कि आपके जीवन साथी के साथ साथ आपके काम वासना का भी है, तो काम वासना की भी इच्छा जागृत करेगा और आपको गलत तरह से काम इच्छा पूरा करने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन आप संभल करके रहिएगा, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये सप्तम भाव जो है आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है, तो दैनिक रूप से जो आप काम धंधा करते हैं उसको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा मंगल, इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी हालत में
मंगल देव की तो पूजा करनी ही है, प्रत्येक मंगलवार को महीना के चारों मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पॉसिबल हो पाए तो ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करते हैं कम से कम एक माला भी चारों मंगलवार को, तो आपके लिए ये मंगल देवता इस महीने में वृषभ राशि वालों के लिए जितना ज़्यादा बाधा खड़ा करने की सोच रहे हैं उतना ज़्यादा बाधा वो खड़ा नहीं करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा रास्ता छोड़ देंगे कि जा बेटा निकलने कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं मित्रों, इस समय में आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित ही मंगल देवता परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो दुश्मन है उसको भी आपसे लड़वाने की कोशिश करेंगे कि जाओ इससे लड़ो, इसको परेशान करो। और पार्टनरशिप में जो आपका काम धंधा चल रहा है जिसको राहु देवता स्मूथली चलवाने की कोशिश कर रहे थे, मंगल देवता उसमें परेशानी लाने की का प्रयास करेंगे। इसलिए इस महीने में चारों मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना कम से कम तो आवश्यक ही है, तभी जा करके कुछ अच्छा हो पाएगा। मंगल की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ दशम भाव पर में, तो जिसके कारण से मंगल देवता इस समय में दशम भाव जानते ही हैं, वो आपके पिता का भी होता है, तो पिता से डांट सुनवा सकते हैं, पिता के साथ थोड़ा सा टेंशन तनाव की स्थिति रह सकती है, पिता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रह सकता है। गवर्नमेंट के तरफ से भी आपको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा इस समय में, आपका खुद का जो काम धंधा चलता होगा उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार इन सब में भी कमी का एहसास होगा, अथवा जहाँ पर मैं हैं वहीं पर मैं आप रहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा आगे इस महीने में नहीं बढ़ पाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दिमाग पर में, मस्तक पर में, मेंटली तौर पर में मंगल डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, विनम्र के बदला आक्रोशी बनाएगा, स्वभाव जो अच्छा था उसको बुरा बनाने की कोशिश करेगा मंगल। शरीर में ऊर्जा की कमी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ज्ञान भी प्राप्त होगा, लेकिन गलत मार्ग से गलत तरीका से आप ज्ञान का यूज करने की कोशिश करवाएगा मंगल आपको। मंगल की दृष्टि बैंक बैलेंस के घर पर में, तो आपका पैसा खर्च करवाने की कोशिश करेगा मंगल, इसलिए आप बड़ा सावधानी के साथ चले, हनुमान चालीसा का निश्चित रूप से पाठ करें, आपके वाणी को रफ करेगा, क्योंकि ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है। आपको मैं बता दूं कि मंगल देव जो हैं इस समय में आपके परिवार में भी टेंशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, पड़ोसी से भी कुछ लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, वहां से भी आपको लाभ नहीं दिलवाना चाहेंगे, और मंगल देवता की ये इच्छा रहेगी कि आपको दोस्तों से भी कुछ विशेष फायदा ना मिले, आप कुछ दान पुण्य भी करो तो वो भी आप करोगे, कुछ तीखा खाना खाने को मिलेगा, मसालेदार चीज़ें खाने को मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर में पड़ गई। तो मंगल का रिजल्ट इस महीने में क्या जिंदगी में कभी भी आपको जहाँ पर में भी आपके गोचर कुंडली में अथवा लग्न कुंडली में मंगल देवता बैठेंगे तो आपके लिए वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, उस भाव के रिगार्डिंग, उस भाव पर में जहाँ दृष्टि पड़ेगी उसके रिगार्डिंग खराब ही रिजल्ट देंगे, सिवाय जब वो उच्च के हो जाएंगे अथवा नीच भंग राज योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध देवता के। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए बुध देवता जो हैं सो एक अच्छे ग्रह हैं और वो आपको बढ़िया रिजल्ट निश्चित रूप से देंगे। जैसे कि बुध देवता यहाँ पर मैं इस कुंडली में मित्रों बुध देव जो हैं सो 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद चले जाएंगे धनु राशि में। तो पहले वृश्चिक राशि की चर्चा कर लेते हैं, 10 दिसंबर तक क्या क्या आपको अच्छा मिलने वाला है, उसके बाद धनु राशि में। तो फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे तो ये कुछ बुरा रिजल्ट देने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे। ये जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि सप्तम भाव में ये बुध देव के बैठने के कारण जो है सो आपके विवाह का योग बन जाएगा, और राहु देव के कारण भी बन रहा था, बुध देव के कारण भी बन रहा है, लेकिन मंगल देवता इसमें परेशानी खड़ा करेंगे। तो बुध देवता कारण आपके विवाह का योग बन जाएगा, आपके विवाह की अगर कहीं पर में चर्चा वगैरह चल रही है तो वो बात आगे बढ़ेगी, भगवान की कृपा से इस महीने में आपके विवाह की बातें फाइनल भी हो सकती है अथवा बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दूं कि सातवां भाव, जैसा कि आप जानते हो कि आपके जीवन साथी का होता है, तो जिसका विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी के साथ संबंध अच्छा रहेगा, समय बिताने का मौका मिलेगा, बुध देवता का ये प्रयास रहेगा कि इसके संबंध को कितना मधुर बनाया जाए, कितना अच्छा बनाया जाए, वो उस प्रयास में लगे रहेंगे। आपको बता दूं कि आपके काम वासना की भी पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा जिसका विवाह हो चुका है। जो आपका दैनिक व्यवसाय रोजगार वगैरह चल रहा है तो मंगल देव जो परेशानी खड़े कर रहे थे तो वो तो खड़े करेंगे ही परेशानी, लेकिन बुध देव उसमें मदद करेंगे राहु देवता की और अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अब कौन कौन से कितने ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, कौन से ग्रह बुरा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, किस समय से किस समय तक, ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत। जो ग्रह बुरा रिजल्ट देना चाह रहा है उसके सामने सीधा दंडवत हो जाओ, हाथ जोड़ लो, मस्तक नवा लो, सर झुका लो कि आप रक्षा करो मेरी, आपके शरण में हूँ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इस प्रकार से उनके सामने आप प्रार्थना करोगे तो जा करके आपको बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति हो पाएगी।
तो बुध देवता यहाँ पर मैं आपको व्यवसाय को बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे, प्रत्यक्ष शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है मंगल देव के कारण, उसको भी वो डाउन करने का प्रयास करेंगे। उनका ये रहेगा कि किसी प्रकार से ये दुश्मन इसको परेशान ना करे, अथवा इस दुश्मन को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाया जाए जो यहाँ से दूर हो जाए। आपको मैं बता दूँ कि पार्टनरशिप में जो है सो आपका काम धंधा भी बुध देवता बढ़िया चलाने की कोशिश करेंगे। बुध देव की दृष्टि आपके मस्तक पर में दिमाग को जो मंगल देवता भ्रमित कर रहे थे, टेंशनाइज कर रहे थे, बुध देवता उसको शांत करने का प्रयास करेंगे। शांति भव शांत करने का प्रयास करेंगे, कहेंगे शांत हो जाओ, बुध देव का ये प्रयास रहेगा। आपके रंग रूप को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, शरीर में बल का सदुपयोग करवाने का प्रयास करेंगे, आपके विवेक का जो है सही इस्तेमाल करवाने का बुध देवता प्रयास करेंगे, आपको शीलवान बनाने का प्रयास करेंगे, आपके द्वारा कुछ ऐसा काम करवाने का प्रयास करेंगे जिस, क्योंकि ये सब प्रथम भाव से ये सब देखा जाता है, तो आपको कुछ ऐसा काम करवाएंगे जिससे कि आप खुद और आपके परिवार वाले आप पर में गर्व कर सकें। बता दूं कि आपको विनम्र बनाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ स्वभाव भी आपका बढ़िया रखने का बुध देवता जो है सो प्रयास करेंगे। तो बुध देव का देवता का रिजल्ट जो है आपके कुंडली में इस महीने के 10 तारीख तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन 10 तारीख के बाद यही बुध देवता 9 अष्टम भाव में चले जाएंगे धनु राशि में, और यही बुध देवता फिर परेशानी खड़ी करेंगे। तो 10 तारीख के बाद बुध देवता के मंत्र का बुधवार के दिन जाप करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद से लेकर के पूरा महीना बुध देवता अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके कारण से कभी कभी चोट लग सकता है हाथ में तो पैर में, गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार का कोई बाबा रोग बवासीर वगैरह हो, अथवा किसी प्रकार से संबंधित पैखाने के लैट्रिन के रास्ते में कुछ परेशानी हो, तो वहाँ पर मैं आपको वो परेशानी बढ़ा देंगे बुध देवता, कम नहीं करेंगे। अचानक से कुछ धन लाभ भी दे सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवाने का योग बना देंगे बुध देवता, आपको घर छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में अथवा किसी दूसरे राज्य में भी जाना पड़ सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना देंगे आपके लिए, अचानक से परिवर्तन का भी योग बना देंगे बुध देवता। बुध देव की यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर में, तो आपको विदेश से कुछ धन जमा करवाने की कोशिश करेंगे, और अपने देश में ही अगर रहोगे, विदेश से कुछ कनेक्शन नहीं है तो वहाँ से आपको धन खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। वाणी पर में दृष्टि, तो वाणी को मीठा करने का प्रयास करेंगे, उनका ये प्रयास रहेगा कि आप किसी भी प्रकार से मीठा बोलें, बहुत ही इतना मीठा बोलें कि आपका जो ये सब परेशानी वो दे रहे हैं वो सब परेशानी से आप मीठा बोल बोल के निकल जाए। आपको पड़ोसी से कुछ विशेष लाभ नहीं दिलवाएंगे बुध देवता, आपको मैं बता दूं कि आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी दे सकते हैं बुध देवता, जीव से संबंधित भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको चखने को मिल सकती है, कुछ दान पुण्य भी आप कर सकते हो, और रिलेटिव से आपको कुछ विशेष फायदा नहीं मिल पाएगा इस समय में, 10 दिसंबर के बाद में पूरा महीना बुध देव की ऐसी कृपा है आप पर में। तो बुध देव के लिए 10 दिसंबर के बाद उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम चारों बुधवार को 5-5 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करके प्रार्थना कर लेंगे कि हे बुध देव, आप मुझे कम से कम बुरा रिजल्ट ना दें, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बुध के बाद अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव इस कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक हैं, और आपको बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए अथवा वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य देव एक सम ग्रह होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट देने वाला, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला। तो सूर्य देव आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं, जहाँ तक कुछ अच्छा ही कर दें। अब कुंडली में डिग्री वाइज जितना मजबूत होंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट देंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए सूर्य देवता विवाह का योग बना देंगे, जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी। अब देख लो कि एक राहु देवता, बुध देवता और सूर्य देवता तीनों जो है यहाँ पर मैं अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, एक मंगल देवता सिर्फ खराब दे रहे थे, और बुध देवता खराब दे रहे हैं कब, तो 10 दिसंबर के बाद में। तो 10 दिसंबर के बाद में आप उपाय कर लोगे, 10 हो गया, तो सूर्य देवता आपके विवाह का योग बना देंगे इस समय में, और आपके विवाह का प्रबल संभावना बन रहा है इस समय में, बातचीत वगैरह कुछ आगे बढ़ सकती है। आपके यहाँ पर में घटक यानी कि विवाह करने की जो है जो लोग आते हैं वो आने जाने की संख्या बढ़ सकती है इस समय में। तो विवाह का योग बन रहा है, जीवन जिनका विवाह हो चुका है जीवन साथी के साथ बढ़िया और एक बेहतरीन समय बिता सकते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध भी बड़ा मधुर रहेगा, काम और वासना के भी पूर्ति का योग बन रहा है, तो काम और वासना की भी पूर्ति होगी।
दैनिक व्यवसाय जो आप रोज का काम धंधा है वो भी आपका बढ़िया चलेगा भगवान सूर्य की कृपा से। बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी थी तो भगवान सूर्य की कृपा से वो सब दूर हो जाएगी आपकी। और जो दुश्मन थे आपके प्रत्यक्ष शत्रु जो आपसे टकराने की कोशिश कर रहे थे, इस समय अगर टकराएंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से वो भस्म हो जाएंगे, वो विशेष आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर काम धंधा चल रहा था जिसको मंगल देवता डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे, जिनको आपने हनुमान चालीसा पढ़ के मना लिया, तो सूर्यदेव भी बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, वहाँ पे सूर्यदेव भी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है। सूर्यदेव की दृष्टि मस्तिष्क पर में, तो दिमाग थोड़ा सा जरूर गर्म रह सकता है लेकिन मेंटली तौर पर में आप बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। तो सूर्यदेव जो है सो आपके रंग रूप को भी बड़ा बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, चेहरे पर में एक सूर्य के समान तेज लाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो है सूर्य के ऊर्जा पर में ही टिकी हुई है, सूर्य के बल पर में ही काम कर रही है, और वो सूर्य की एनर्जी डायरेक्ट आपके ऊपर में पड़ रही है, तो ये आपके लिए बड़ा कमाल का रहेगा। और भगवान सूर्य की कृपा से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में भी वृद्धि होगी, दिमाग भी बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। स्वभाव थोड़ा सा उग्र जरूर हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा काम करेंगे जिस पर मैं आपको खुद भी गर्व होगा और आपके घर वालों को भी जो है गर्व होगा। ये सूर्य देवता जो है आपके कुंडली में मित्रों, वो 16 दिसंबर तक ही वृश्चिक राशि में है, उसके बाद वो चले जाएंगे धनु राशि में। तो 16 दिसंबर तक तो आपको वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। 16 दिसंबर तक आप जमीन वगैरह खरीदने का भी प्लानिंग कर सकते हो, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी कुछ प्रॉपर्टी बनाने का प्लानिंग कर सकते हो अथवा कुछ ले भी सकते हो। लेकिन 16 दिसंबर के बाद में जैसे ही ये चले जाएंगे अष्टम भाव में, यहाँ पर मैं आपको परेशानी में डाल देंगे सूर्य देवता। अब 16 दिसंबर के बाद में यही सूर्य देवता निगेटिव रिजल्ट देने के लिए विवश हो जाएंगे और निगेटिव रिजल्ट देंगे। तो 16 दिसंबर के बाद में 2 रविवार या 3 रविवार आएगी, तीनों रविवार को भगवान सूर्य को जल देना है, ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 5 बार पाठ करना है, नहीं तो एक माला अच्छा रहेगा, और भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करना है कि वो आपको बुरा रिजल्ट ना दे। अब जैसे ही वो अष्टम भाव में चले जाएंगे 16 दिसंबर के बाद में, आप अनुभव करेंगे कि आपको चोट वगैरह लगना शुरू हो जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह होने का योग बन जाएगा, अचानक से काम सब बिगड़ने लगेगा, सभी काम में जो है परेशानी आना शुरू हो जाएगी, आपको विदेश यात्रा का जरूर योग बन जाएगा, अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बन जाएगा। और आपको बता दूं कि आकस्मिक परिवर्तन भी होने लगेगा और पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई बीमारी जो है आपको निश्चित रूप से परेशान करने लगेगी। सूर्य की दृष्टि यहाँ से द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो जिसके कारण से जो है सो आपको धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगा उसमें से भगवान सूर्य निकालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार से ज़्यादा खर्चा करवा दिया जाए। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि वाणी को भी तीखा कर देंगे भगवान सूर्य देव, और आपको इस समय में जो है दान पुण्य करने के लिए भी मन बनाएंगे, आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी दे सकते हैं, और पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, परिवार में भी कुछ कलह उत्पन्न कर सकते हैं, और दोस्तों से भी विशेष लाभ आपको लेने नहीं देंगे। इस समय जो सूर्यदेव अभी 16 दिसंबर से पहले आपको जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बना रहे थे, वही सूर्यदेव इस समय में आपको जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी गाड़ी इन सब के मामले में परेशानी खड़ा कर देंगे। तो सूर्यदेव के लिए 16 दिसंबर के बाद में उपाय करने की परम आवश्यकता पड़ जाएगी, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के बाद अब यहाँ पर मैं केतु देव बैठ गए, जो कि केतु देव जो है आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि में जो है केतु देव उच्च के होते हैं, तो उच्च का रिजल्ट आपको यहाँ पर मैं केतु का मिलने वाला है, जो कि बेहतरीन रिजल्ट है, खराब नहीं और बेहतर नहीं, बेहतरीन, यानी कि केतु देवता भी आपको बड़ा ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं आपके लिए। अब कैसे, तो आप देख लो, इस समय में केतु देव भी आपको, अभी सब ग्रह का ये है कि आपको विवाह करवा दिया जाए, जिसका विवाह नहीं हुआ है और जिसका विवाह हो चुका है वो सब ग्रह ऐसा चाह रहे हैं कि आपको दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख मिले, तो इसलिए सभी ग्रह का प्रयास है ये। तो केतु देवता भी इस समय में यही प्रयास में लगे हुए हैं कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, जिसका विवाह हो चुका है पति पत्नी के बीच में संबंध को बेहतरीन करें, संबंध को बिताने का बढ़िया समय बिताने का एक प्रयास करवाएंगे केतु देवता। आपको मैं बता दूं कि काम और वासना की भी इच्छा आपके मन में ज़्यादा जागृत करवाएंगे केतु देवता, और जिसके कारण से आप अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा नज़दीक रह पाओगे। आपको मैं बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय जो आपका चल रहा होगा वो भी बढ़िया चलेगा भगवान केतु की कृपा से, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। जो दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
पार्टनरशिप में भी आपका बिजनेस मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। केतु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से जो है सो यहाँ पर में आपके लाभ का भी योग बन जाएगा और इनकम में भी वृद्धि हो जाएगी, कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बनेगा, कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, कुछ सीनियर्स का बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, वहाँ से भी कुछ फायदा होगा। जो उस एज के लोग हैं जिनका एज उस वहाँ तक पहुँच चुका है तो उनको दामाद और पुत्र वधू का भी सुख मिलेगा, जिनके बच्चे का विवाह नहीं हुआ है और वो वृषभ राशि के हैं तो दिसंबर 2021 में के बच्चे के विवाह का भी योग बन रहा है और उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है। केतु की सप्तम दृष्टि मस्तक पर में तो मस्तिष्क को बड़ा सातिर बना देंगे केतु देवता, योग केतु का काम ही है, युक्ति से काम निकालने वाला ग्रह है केतु, तो युक्ति ऐसा ऐसा देंगे, ऐसा ऐसा जुगाड़ देंगे जो दुनिया चक्र चक्कर में पड़ जाएगी, भाई किस प्रकार से ये कर रहा है, समझ में ही नहीं आएगा किसी को, और आप अपने दिमाग से काम को निकाल लेंगे, रंग रूप भी बढ़िया लगेगा, दिमाग बड़ा तेज रहेगा, विवेक से काम लेंगे, सीलवान बने रहेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग और आपके परिवार के लोग और आप खुद अपने आप पर में गर्व करवाएंगे केतु देवता, आपको केतु देवता भी गर्व करवाने के लिए आपको प्रयास में लगे हुए हैं, विनम्र स्वभाव को रखेंगे और बढ़िया रहेगा, केतु देवता का रिजल्ट बढ़िया है। केतु देव की नौवीं दृष्टि जो है 8-9 तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे, पेशेंस लेवल भी आपका बढ़िया रहेगा, गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जो है सो इस समय में बेइज्जत होकर के चले जाएंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित व कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान जरूर कर सकती है, इसलिए सावधान होकर रहने का प्रयास करेंगे। केतु के बाद मित्रों अब बात करेंगे इस कुंडली के मालिक यानी कि शुक्र देवता की। शुक्र देवता इस कुंडली में मित्रों इस महीने में दिसंबर में जो है सो 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं, तो 8 दिसंबर तक आपके लिए शुक्र देवता के कारण बढ़िया रिजल्ट नहीं रहने वाला है। जैसे कि 8 दिसंबर तक आपके काम में बाधाएं बहुत आएंगी, परेशानी बहुत आएंगी, आप काम को करने का कोशिश करेंगे, प्रयास बहुत करेंगे लेकिन वो सफलतापूर्वक आप कर नहीं पाएंगे, आप हर बार एक छोटा सा भी काम करने की कोशिश करेंगे, बाधाएं सामने आके खड़ी हो जाएंगी और आपको उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अचानक से परिवर्तन हो जाएगा, काम बना करके आप जाएंगे वो काम बिगड़ जाएगा अपने आप, दुर्घटना होने का योग बन जाएगा, चोट वगैरह लग जाएगी, पैसा जो जमा पूंजी होगा वो सब आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा और इस समय परिवार में टेंशन, पड़ोसी से टेंशन और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। 8 दिसंबर तक ये जब तक शुक्र देवता जो हैं यहाँ पर में रहेंगे, आपको मैं बता दूँ कि आपको वो बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे ही 8 दिसंबर के बाद शुक्र देवता मकर राशि में गए यानी कि नौवें भाव में गए, आपका भाग्य आपके पलट जाएगा और बिल्कुल आपके सपोर्ट में आ जाएगा। जैसे ही नौवें भाव में जाएंगे शुक्र देवता, आपको मैं बता दूं कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अपने आप अनुभव करेंगे कि आप एक कदम चलने की कोशिश करें, भाग्य आपको 4 कदम आगे लेके जा रहा है, यानी कि भाग्य का सपोर्ट कहा जाता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि भाग्य का सपोर्ट अगर आपको मिल गया जिंदगी में तो समझ लीजिए कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे हमें शुक्रदेव के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और 8 दिसंबर के बाद भाग्य भरोसे आपका बहुत सारा काम होना शुरू हो जाएगा, धर्म का काम भी करोगे, तीर्थ व्रत भी करने का योग बन जाएगा, यश में भी वृद्धि होगी और आपको बता दूं कि साला साली से भी फायदा होगा, जो महिलाएं हैं उनको देवर ननद से भी फायदा का योग बन रहा है, संन्यास की तरफ भी थोड़ा सा मूवमेंट करने की इच्छा हो सकती है, कुछ आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, शिक्षा स्तर भी अच्छा रहेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। भगवान शुक्र की दृष्टि यहाँ से जो है सो पड़ेगी तीसरे भाव पर में, तो खूब मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको मीठा भी मिलेगा, छोटे भाई बहन का जूनियर का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपका धैर्य भी बढ़िया रहेगा और बता दूं कि गुप्त शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो भी ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे इस समय में। गले से संबंधित, कान से संबंधित, नाक से संबंधित अथवा किसी भी श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की जो परेशानी दे रहे थे केतु देवता, भगवान शुक्र के कृपा से वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और उसमें भी कमी आएगी और मिला जुला करके आप छोटा मोटा उपाय करके दवा करके आप उसको संभाल लेंगे। शुक्र के कारण आपको बढ़िया रिजल्ट निश्चित रूप से मिलने वाला है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात है नहीं। उसके बाद बता दूँ कि शनिदेव जो है सो पूरे महीने में मकर राशि में ही रहने वाले हैं, यहीं पर में शनिदेव भी भाग्य के घर में अपने ही राशि में रहने वाले हैं तो बड़ा कमाल करेंगे, नौवें भाव के रिगार्डिंग तो बढ़िया रिजल्ट देंगे ही जो शुक्रदेव ने दिया, इसके अलावा भी 1-2-3
एकादश भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि आय में वृद्धि हो जाना, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, उपलब्धि प्राप्ति होना, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलना, सीनियर्स से फ़ायदा मिलना, और बच्चों का विवाह होना, पुत्र वधू दामाद का सुख पैदा होना, सुख मिलना। और यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी तीसरे भाव पर में, तो मेहनत ज़्यादा करना, पराक्रमी बनना, धैर्यवान बनना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार कोई बीमारी हो तो उसको ठीक होना, गुप्त शत्रु का नाश होना। और शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में दुश्मन का भी नाश करेंगे शनि देवता, रोग का भी नाश करेंगे, पेट से संबंधित रोग का भी नाश करेंगे, केस मुकदमा कोई चल रहा है उसको भी दूर करेंगे शनिदेव। आपको मैं बता दूँ कि इस समय में शनिदेव जो है हर मामले में आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। और ये दशम भाव के भी मालिक हैं तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है शनि देवता वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से भी उनको कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों का तो यहाँ पे जो वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ लग्न वाले हैं, उनको तो प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह का भी योग बन रहा है, वो सब भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है इस महीने में पूरे महीने इसी भाव में रहने वाले हैं, इनका कहीं से कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी कि दशम भाव में ही रहेंगे, जो कि बड़ा कमाल का रिजल्ट देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। लेकिन समस्या क्या है कि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मारक हैं, लेकिन मारक ग्रह में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का एक प्रभाव है कि कितना भी मारक रहते हैं, ये मेरा पर्सनली अनुभव है, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मेरा ये पर्सनली अनुभव है कि कितना भी मारक रहते हैं फिर भी 10-15% वो बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। तो फल जरूर कम देंगे लेकिन अच्छा जरूर देंगे, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा इज्जत आपको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मान सम्मान बढ़वा देंगे, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट से थोड़ा सा फ़ायदा दिलवा देंगे, कारोबार में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिलवा देंगे, थोड़ा सा प्रमोशन दिलवा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिलवा देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ पर में लाभ के घर पर में, धन के घर पर में, तो थोड़ा सा पैसा भी जमा करवा देंगे नहीं, और परिवार में भी थोड़ा सा सुख शांति बना करके रखेंगे, परिवार से भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिलवा देंगे, पड़ोसी से भी थोड़ा सा सपोर्ट दिलवा देंगे, दोस्तों का भी जो है विशेष फायदा आपको मिल पाएगा, तो ये सब जो है बढ़िया आपको करवाएंगे। आपके मुख से मुख पर में दृष्टि, तो ज्ञान जो है आपके मुख से धारा जो है प्रवाहित होगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बना देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा परेशानी भी उसके साथ साथ आपको देंगे। नौवीं दृष्टि 8, 9 छठे भाव पर में तो दुश्मन से कुछ परेशान करवाएंगे, पेट से संबंधित कुछ परेशानी देंगे, कुछ उधारी वगैरह करवा सकते हैं, कुछ अशांति मन में रह सकती है, किसी प्रकार का कोई जो है सो अपेस कलंक वगैरह भी आपको इस समय में वो लगवा सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली की संपूर्ण कुंडली की स्थिति थी वृषभ राशि वाले कि आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2021। साल का अंतिम महीना था इसलिए थोड़ा अच्छा से और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसा रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। मैं इसमें आपको यही कहना चाहता हूँ कि मंगल देवता का सभी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, महीने के चारों मंगलवार को आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा थोड़ा जो ग्रह सब विपरीत है जिस जिस समय तक मैंने बताया उस समय तक उस मंत्र की आराधना करें, मंत्र का जाप कर लें, कम से कम एक माला नहीं हो तो 5-5 बार भी कर लें, उस दिन आपके लिए कम से कम अच्छा रहेगा। और मैंने वादा किया था आपसे कि क्या आपने इतना डिटेल्ड मासिक राशिफल कभी देखा है, कभी नहीं देखा होगा, और ये पहली बार आप हमारी वीडियो में इतना डिटेल्ड देख रहे होंगे। बहुत लंबा समय हो गया है, नहीं तो और डिटेल्ड में जानकारी दे सकता था आपको, लेकिन अब कितना डिटेल्ड दूँ, अब ज़्यादा डिटेल्ड दूंगा तो ये वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा, अभी तो 40 मिनट का ही हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया आपको और अभी तक आपने लास्ट तक ये वीडियो सुना है तो कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताएं, गुरुजी मैंने लास्ट तक सुना है। और अगर आपने लास्ट तक सुना है तो ये ज़रूर यकीन मानिए कि भगवान की विशेष कृपा ही है आप पर में, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस रख करके और इतना विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेना सबके बस की बात नहीं है, बताना ही सबके बस की बात नहीं है, तो सुनने की बात तो बहुत दूर है, सुनने के लिए भी बड़ा जज्बा चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। तो अगर आपने यहाँ तक सुन लिया तो इसके मतलब है कि आपके पास बहुत धैर्य है, भगवान का माता सरस्वती का राधा रानी का विशेष कृपा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन लोगों ने लास्ट तक सुना है उन लोगों के लिए मेरा विशेष विशेष आभार है, प्रणाम है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर में, फेसबुक पर में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें, और कमेंट भी ज़रूर करें। और जिनको
मन है कि अभी अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि यहाँ पर बेहतरीन जानकारी मिलती है मिले मुझे, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें ताकि एक दो वीडियो जो रोज आती है वो आपको मिल सके। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।